इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन पहले करवाऊँ? 11, 12, 13, 14, ट्वेल्व नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वो नवंबर में हो जाएंगे चारों चैप्टर ये। ठीक ट्वेल्व नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये डालो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलो भाई किसी को आइडिया है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? किसी को आइडिया है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ठीक है ध्यान से देखो, हम लोग मेटल के ऊपर क्या डाल रहे हैं? लाइट। अगर इस लाइट के अंदर सफिशिएंट एनर्जी हुई तो क्या मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं? ठीक बात बोली, जो हमने लाइट डाली अगर उस लाइट के अंदर सफिशिएंट एनर्जी हुई तो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो लाइट आ रही है इसकी एनर्जी को हम लोग ले सकते हैं एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, बताए हम लोग एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसको मैंने सिंबल दिया है फाई नॉट, वर्क फंक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन निकल करके आया है क्या इसके पास कुछ एनर्जी हो सकती है? इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इसके पास जो एनर्जी हुई उसको मैं क्या बोलूंगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाँ हाँ वही वही बिल्कुल ठीक है, वहाँ वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी फॉल ऑन मेटल सरफेस, when light of suitable frequency or energy fall on metal surface then electron will emit, this phenomenon is known as photoelectric effect। लाइट को फॉल कराने से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है इसको हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आगे के चारों चैप्टर बहुत इजी हैं, 11, 12, 13, 14, बस ध्यान सुनते जाओ, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसका सिंपल एग्जांपल समझते हैं, सपोज हमारे पास 500 रुपीज है, सही है, और मूवी देखने जाना है, मूवी की टिकट कितने की मिलेगी? 300 ले लें, सपोज आज टिकट 300 की टिकट है, तो अगर 500 रुपये मेरे पास है तो 300 रुपये की हमने क्या खरीद ली टिकट, अभी 200 रुपये बचे हैं, क्या करोगे इसका? पॉपकॉर्न खाएंगे, एक बात ना। तो ये जो 500 रुपये हैं ये हमारा कौन है? जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी, और 300 रुपये क्या है? वर्क फंक्शन। अगर 300 रुपये से कम है तो बात बनेगी या नहीं बनेगी? अगर तुम्हारे पास 400 रुपये हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात बोली, 500 है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 300 है तब भी कोई दिक्कत नहीं, पॉपकॉर्न नहीं खा पाएंगे, पर अगर 200 रुपए है तब तो दोस्तों को फोन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मूवी मेन पर्पस पॉपकॉर्न खाना है, मूवी देखना है, तो कम से कम तुम्हारे पास कितने रुपए होने चाहिए? पॉपकॉर्न तो बाहर ही मिलते खा लेना या एक टू खरीद लेना घर चले जाना, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मूवी देखनी है तो कम से कम कितने रुपए होने चाहिए? 300। अगर मेरे पास 300 है मैं मूवी तो देख लूंगा, तो वैसे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कम से कम मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? फाई नॉट, जिसको मैं 300 कह रहा हूँ वो एक्चुअली कौन है?
फाई नॉट। अगर एनर्जी फाई नॉट से ज्यादा है तो प्रॉब्लम है या नहीं है? नहीं, ठीक है। अगर एनर्जी हमारी फाई नॉट से ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक के फॉर्म में। अगर लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो मैंने डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा था सूटेबल, ध्यान दिया था, व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। तो यहाँ सूटेबल वर्ड का क्या मतलब है? वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ज्यादा। व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन विल इमिट। दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ सूटेबल का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? सफिशियंट। सफिशियंट का मतलब जितना चाहिए कम से कम उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं। सबको बात समझ में आई? एनर्जी के मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, E इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। वैसे फाई नॉट के भी दो फॉर्मूले मुझे पता है, लिख लो एच न्यू नॉट एंड एच सी बाय लैम्डा। और काइनेटिक एनर्जी के भी दो फॉर्मूले पता है, हाफ एम वी स्क्वायर में वी स्पीड है और दूसरा फॉर्मूला होता है ई वी नॉट। इस वी नॉट को हम बोलते हैं सर, मतलब बिल्कुल। हाँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी का सिग्निफिकेंस ये है कि जो इनपुट लाइट की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है या ज्यादा है, ये मालूम पड़ता है। यही इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है फाइन नॉट। जो इनपुट लाइट की एनर्जी है, मैं लिख देता हूँ, ई हैज टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन फाइन नॉट। ठीक बात लिखी, मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? फाइन नॉट। इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होती। इसका अंदर अगर मैं किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ तो उसके मुझे तीन तरीके पता हैं। पहला तरीका जो भी हमने देखा, लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, प्रोवाइडेड लाइट कैसी हो, सफिशियंट एनर्जी की। दूसरा, अगर मैं मेटल को हीटअप कर दूँ तो क्या हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा? पॉसिबल है या नहीं है? अगर मेटल को हीटअप करते हैं तो क्या मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? केमिस्ट्री में जैसे तुम लोग बोलते हो आयनाइजेशन पोटेंशियल, याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री करना चाहते हो, पढ़ा है कुछ, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक बात है। तो मैंने फिजिक्स में बोला इलेक्ट्रॉन निकालने के तीन तरीके मुझे पता है, हो सकता है और भी होते हैं। पहला तरीका लाइट डालो जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, अभी इन सबकी डेफिनेशन लिखा दूंगा। सेकेंड, मेटल को हीटअप कर दो, हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़कर भागने लगते हैं। जैसे वाटर को बॉयल करो हीट देने पर, तो क्या वाटर से वेपर निकलती है? तो वेपर क्या चीज है? जो वेपर निकल रही है, इसका मतलब अगर मैं पानी को बहुत देर तक बॉयल करे जा रहा हूँ तो उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? इसका मतलब वाटर क्या हो रहा है, एनर्जी ले लेके ऊपर भागता जा रहा है। वो मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, थर्मियोनिक का। तो गर्म करने पर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। अभी सिलेबस में नहीं है बट आइडिया दे दिया मैंने, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लास्ट मुझे पता है फील्ड इमिशन, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी बाहर? इसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। तो तीन तरीके के तरीके मुझे तीन तरीके पता है इलेक्ट्रॉन निकालने के, जिसमें तुम्हारे सिलेबस में कौन है? फोटोइलेक्ट्रिक के। इस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो अभी हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं, मतलब लाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आई थिंक पहले डेफिनेशन सबको क्लियर हुई, पहले डेफिनेशन मैंने किसकी बताई? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबने फॉर्मूले नोट कर लिए? ठीक है, दूसरी डेफिनेशन लिखो, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कुछ बुक्स में फाई नॉट कहता है, कुछ बुक्स में डब्ल्यू नॉट। वर्क फंक्शन, फंक्शन को मैंने एफ एल लिख दिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to release electron from metal surface. Minimum amount of energy required to release electron from metal surface. तो हमारे example में वर्क फंक्शन कितना था? 300. At least 300 rupees होंगे तभी हम मूवी का टिकट खरीद पाएंगे। तो वैसे ही अगर मान लो 500 रुपीज़ हैं तो 300 का हमने टिकट ले लिया और 200 रुपए के पॉपकॉर्न खा लो,
अगर हमारे पास 200 रुपीज़ हैं तो कुछ नहीं हो सकता, 280, 290, 299 तक कुछ नहीं होगा, 300 पे हो जाएगा, 310 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1000 तब भी कोई दिक्कत नहीं, लॉजिकल लगा। तो एटलीस्ट कितना चाहिए, 300, जो मैंने एग्जांपल दिया। तो वैसे ही मैंने बोला वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सर्फेस। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, थर्ड लिखो, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, कुछ बुक्स में न्यू नॉट कहता है, कुछ बुक्स में एफ नॉट। ठीक है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने लिया है, सपोज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलता है क्वेश्चन में 10^14 हर्ट्ज है, तो 10^15 हर्ट्ज में फोटोलिटिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, होगा। 10^16 में होगा, यानी 10^14 ऑनवर्ड्स होगा, पर अगर 10^13 वाली डाली तब नहीं होगा, 10^12 वाले पे क्या लगा। तो 10^14 या इससे ज्यादा पर इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इसका मतलब फोटोलिटिक इफेक्ट हो जाए, पर अगर तुमने थ्रेशोल्ड से कम डाल दी तब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोलिटिक इफेक्ट। अगर इनपुट लाइट की एनर्जी, सॉरी इनपुट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस सुनते जाओ, मतलब 11, 12, 13, 14 पर लेकर आने का पर्पज यही है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, बस ध्यान सुनते जाओ, फॉर्मर डालो आंसर आ जाएगा। जैसे ईएम वेव्स था, ईएम वेव्स इजी था या नहीं था, फैक्ट है, ध्यान से सुनते जाओ जो बताया जा रहा है। नेक्स्ट लिखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी थ्रेशोल्ड से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं मीट होगा, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो मीट होगा। फोर्थ मैंने बोला थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसका सिंबल है लैम्डा नॉट। तो मैं जानना चाहता हूं तुमको ये फॉर्मूला पता है, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पता सबको, तो लैम्डा क्या हो जाएगा भाई, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में मिनिमम वर्ड था, तो वेवलेंथ के डेफिनेशन में क्या डालना चाहिए, मैक्सिमम। इनवर्स रिलेशन है ना, इसकी डेफिनेशन लिखो, मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। हम लोग विपग्योर समझते हैं, तो इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, और मिनिमम वॉलेट मैंने बोल दिया लैम्डा नॉट कौन है, ग्रीन। मैंने बोला एग्जांपल लिया कि अगर ग्रीन लाइट हमारी कौन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ब्लू डालने पर लाइट, ब्लू लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा, इसका मतलब ग्रीन के पहले इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ग्रीन के बाद नहीं आएगा। इसका मतलब मैं क्लियरली समझाना चाहता हूँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम है, उससे कम है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक। अगर मैंने बोला हमारे एग्जांपल में थ्रेशोल्ड कौन है, ग्रीन, तो ग्रीन से कम वेवलेंथ वाली हमारे लिए यूजफुल है, लाइट डालोगे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मैंने बोला ग्रीन लाइट, इस एग्जांपल में मैंने लिया है कि ग्रीन लाइट हमारी कैसी है, थ्रेशोल्ड, ठीक है, हम लोग चाहते हैं जो इनपुट लैम्डा हो
वो लैम्डा नॉट से ज्यादा हो या कम हो? कम हो। अगर इनपुट की इनपुट लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर जो इनपुट लाइट है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मूवी देखने गए और तुम्हें पता नहीं था कितने का टिकट है, जाकर मालूम हुआ टिकट आज 800 रुपए का है, तुम घर से 500 रुपए लेके गए थे कि 200 का तो पॉपकॉर्न भी खाऊंगा आज मैं और मालूम हुआ जी मूवी की टिकट आज है नहीं और ब्लैंक में तुम्हें कितने की मिल रही है, 800 रुपए की। तो तुमने कहा अगर मैक्सिमम 500 रुपए तक की मिलती तो ले लेते, 500 ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे, ठीक बात है ना। तो इसका मतलब लैम्डा नॉट क्या चीज है, बाउंड्री है, ठीक बात बोली। इससे अगर कम वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इससे ज्यादा पर नहीं, लॉजिकल। और मूवी देखने के लिए कम से कम हमें कितने रुपए चाहिए थे, 300 रुपए, अगर मूवी की टिकट 300 की थी तब। तो वो जो 300 है वो कौन है, अगर एनर्जी की टर्म में सोचते हो तो वर्क फंक्शन है, फ्रिक्वेंसी की टर्म में सोचते हो तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो मिनिमम इज एसोसिएटेड विद फ्रिक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन एंड मैक्सिमम इज एसोसिएटेड विद थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लॉजिकल। नेक्स्ट लिखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाने से पहले मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूं। हम लोगों ने क्या करा, लाइट फॉल कराई किस पर, किसी मेटल पे, सही बात है। तो क्या चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है। तो प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, अब मैं चाहता हूं प्लेट बी को देखो, ध्यान से देखना। अगर प्लेट ए से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट बी पे पहुंच गए तब क्या होगा, करंट फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन बी पे पहुंच गया तो क्या बी से वापस ए पे आ जाएगा, और जो मैंने बल्ब लगाया है क्या ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। पर्पस समझ में आ रहा है, ये क्यों कर रहे हैं हम, लाइट से क्या कर रहे हैं, करंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे सोलर सेल होता है, सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल का आइडिया तुम लोगों देखा होगा, रोड वगैरह पे सोलर लाइट्स वगैरह होती है, सोलर पैनल लगे होते हैं। उस सोलर पैनल को हम क्या करते हैं, धूप में रखते हैं, सनरे से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और उससे फिर हम यूज कर लेते हैं। स्ट्रीट लाइट्स में यूज कराया था कई जगह, अगर नोटिस करोगे उसमें एक और कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक बोलते हैं LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाता है वो, जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी कम होती है बल्ब ऑन हो जाता है। बॉम्बे में मैंने ऐसा देखा है, बॉम्बे में है ऐसा। मैनुअल करना गुड आइडिया है, बैड आइडिया है? कई बार स्ट्रीट लाइट अगर देखो दिन में भी जलती रहती हैं, क्योंकि वेस्ट ऑफ एनर्जी है, दिन में क्या जरूरत है। तो इसका मतलब फिर लोगों ने सोचा इसको ऑटोमेटिक कर दो। तो ऑटोमेटिक करने का तरीका क्या है, जैसे ही शाम होगी इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक डिवाइस लगाते हैं LDR, मैंने बोला लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, यानी एक ऐसा रेजिस्टेंस जो लाइट पर डिपेंडेंट है, यानी लाइट के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो लाइट की इंटेंसिटी अगर बदलोगे तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाता है। अगर रात हो गई है तो लाइट फॉल हो रही है या बहुत कम हो गई, कम हो गई तो चेक कर लेता है, सेंस कर लेता है। लाइट कम हो गई है इसका लाभ लाइट की जरूरत है, तो करंट पास करना शुरू कर देता है। तो सोलर पैनल क्या करता है, दिन भर चार्ज होता है और रात में जैसे ही लाइट कम होती है अपने आप बल्ब ऑन कर देता है। तो मैनुअल इंटरफेरेंस खत्म हो गया, ऑन ऑफ करने का झंझट खत्म, अपने आप ऑन अपने आप ऑफ, लॉजिकल लगा। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्या ए से इलेक्ट्रॉन बी पे पहुंच सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हुई तब, सही। अगर इलेक्ट्रॉन बी पे पहुंच गए तो क्या वो वापस ए पे आ सकते हैं, ए पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा या नेगेटिव, ए इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा, जब वो बी पे पहुंचेगा तो वायर से घूमकर वापस ए पे आ सकता है। तो जो मैंने नीचे बल्ब लगाया है क्या वो ऑन हो जाएगा, ठीक बात बोली, वायर में करंट फ्लो होगी या नहीं होगी अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है मैं चाहता हूँ प्लेट बी पर नेगेटिव पोटेंशियल दो, अगर प्लेट बी पे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने पास, ध्यान दो मैं क्या बात हुआ।
अगर प्लेट बी को तुमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, तो इलेक्ट्रॉन आराम से बी पे पहुंच जाएगी, तो करंट बहुत अच्छे से फ्लो होगी। मैं चाहता हूं करंट फ्लो ना हो, हेडिंग का नाम क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक ऐसा पोटेंशियल लगाओ जिससे कि इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए। तो इसका मतलब बी पर मुझे पॉजिटिव पोटेंशियल देना चाहिए या नेगेटिव, लॉजिकल बोलो। तो अगर मैं बी पर नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहुंच ही ना पाए। ठीक बात है, तो बल्ब ऑन रहेगा ऑफ हो जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान देना मैं बी पे अब कैसा पोटेंशियल दे रहा हूँ, नेगेटिव। तो डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल विच मेक फोटो करंट जीरो। मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल विच मेक फोटो करंट जीरो। अगर प्लेट बी पर नेगेटिव पोटेंशियल दो तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्लेट बी पर ना पहुंच पाए। जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन बी पे नहीं पहुंचेगा उस टाइम बल्ब ऑफ हो जाएगा। जब बल्ब ऑफ हो जाएगा उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, के ई मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट हमारा कौन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, चार्ज ऑफ। अगर तुम लोग पहचान पा रहे हो तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है क्या, के इक्वल टू पी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, क्यू वी। सही बात बोली, क्यू कैसा है, नेगेटिव, और वी भी कैसा है, नेगेटिव। तो सौ कर होकर ई वी नॉट बन जाएगा क्या, यहाँ वी नॉट पे मॉड मैंने क्यों डाल दिया, ये बताने के लिए कि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, यहां तक की बात क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट हिंट डालो, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फर्स्ट लॉ कहता है फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, बट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉमा काइनेटिक एनर्जी कॉमा स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी बट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने ब्रैकेट में कोई बात लिखी है क्या, ठीक है, क्या कंडीशन लिखी है, जो लाइट होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर इस रूम में हम टू ट्यूबलाइट्स की जगह फोर ट्यूबलाइट्स लगा दें तो क्या इस रूम में बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी, ब्राइट लाइट जिसको हम बोलते हैं, तो जिसको हम कहते हैं नॉर्मली ब्राइट लाइट है उसको फिजिक्स लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा लाइट, ठीक है, तो अगर ज़्यादा लाइट डालोगे तो लाइट डालने पर क्या होगा, करंट पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, रूल वन क्या कहता है, ज़्यादा लाइट डालोगे तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा करंट होगा,
बट फ्रिक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नो। इनपुट लाइट की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड से ज्यादा। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, क्या लगता है? प्रोपोर्शनल बोला है क्या? स्ट्रेट लाइन बना लो, इसका जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी फोटो करेंट उतना ज्यादा होगा। फोटो करेंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी बट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, प्रोवाइडेड नहीं बात, प्रोवाइडेड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नो। यानी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। इक्वल भी कह सकता हूं क्या? इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो फर्स्ट लॉ बहुत क्लियरली बोलना चाहता है आई इज प्रोपोर्शनल टू आई, जिसमें एक आई कौन है? इंटेंसिटी, और दूसरा आई कौन है? करंट, फोटो करंट। ये करंट लाइट की वजह से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फोटो करंट। आई होप सबको क्लियर हुआ। ठीक है, सेकेंड लॉ लिखू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इस बात का क्या मतलब है? अगर हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तब पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके हिसाब से चेंज हो रही है? फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। प्रोपोर्शनल बोला है या डिपेंडेंट बोला है? डिपेंडेंट, प्रोपोर्शनल नहीं बोला, ध्यान रखना। अगर प्रोपोर्शनल बोलता तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता। यहाँ पे एक बच्चा तो और लिख लो, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का सच पा रहे हो, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। इस ग्राफ का स्लोप हमें देगा एच। एच का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें याद रखनी है 6.6 इंटू 10 टू पावर -30 जूल सेकेंड। क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस पर कहीं कट कर रहे हैं? ठीक बात है, तो मैथमेटिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट। ग्राफ जहां पे वाई एक्सिस कट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? वाई इंटरसेप्ट गिव्स वर्क फंक्शन। क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को भी कहीं कट कर रहा है? बताओ, जिन लोगों के पास मैथ्स होगी वो तो बहुत अच्छे समझना चाहिए, ऐसा मैथ्स से पढ़ाया जाता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज वन, पढ़ा तुम लोगों ने? पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, पढ़ा तो अच्छी बात है। या वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी समझते हो? ठीक है, हाँ बेटा बोलो। मैंने बोला ग्राफ जहां पर वाई एक्सिस को कट करेगा वो क्या होगा? वर्क फंक्शन, एग्जाम में पूछेगा। और जहां पे एक्स पे कट करेगा वो क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट, लिख लो एक्स इंटरसेप्ट गिव्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ का एक्स इंटरसेप्ट क्या देगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वाई इंटरसेप्ट क्या देगा? वर्क फंक्शन। और स्लोप क्या देगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। इन पे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तुम्हें अभी, इसलिए ध्यान से देखते जाओ। तो फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा? आई इज प्रोपोर्शनल टू आई, फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी।
सेकेंड मैंने क्या पढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी, और कैसा डिपेंड करेगा, लीनियरली। बहुत क्लियरली मैंने मना करा है, प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आता है, फ्रिक्वेंसी डबल, काइनेटिक एनर्जी डबल, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये पर नोट में करके लिख लो, अगर फ्रिक्वेंसी को तुमने क्या करा डबल, तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल। ये सब बातें बुक में नहीं मिलेंगी, बट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है। लास्ट ईयर सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था जो मैंने अभी बताया, अगर फ्रिक्वेंसी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल, क्यों होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रोपोर्शनल है या डिपेंडेंट है? प्रोपोर्शनल अलग चीज होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक्स डबल तो वाई डबल, एक्स ट्रिपल तो वाई ट्रिपल, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। जैसे इसके पहले मैंने क्या लिखा था फर्स्ट लॉ में, प्रोपोर्शनल इसका अगर इंटेंसिटी डबल करोगे तो फोटो करंट क्या हो जाएगी, डबल। इंटेंसिटी ट्रिपल, फोटो करंट ट्रिपल, ये है प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लीनियरली डिपेंड ऑन फ्रिक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ज्यादा कम करने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिकल है, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट तुम्हें आता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये लिखा हुआ है ना, देखो मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इसका अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करोगी तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2009 में मैंने 8 मार्क्स में देखा था, 8 ट्रिपल में। ये सब बुक में नहीं मिलता था, जो मैं बता रहा हूँ बस ध्यान सुनते जाओ, तुमको बहुत सारी बातें बुक में नहीं मिलेंगी, इतना मिलता ही नहीं। क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें दिखेगा। आई होप क्लियर हुआ सबको, ठीक है। थर्ड मैंने हेडिंग क्या डाली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसकी डेफिनेशन अभी हमने लिखी थी, ठीक बात है ना। क्या लिखूं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सही बात बोलो। सेम डेफिनेशन ले सकते हो जो मैंने पीछे लिखी थी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इनपुट लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस बिकॉज collision between photon and electron is elastic. तो लाइट डालने के कितने घंटे बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इंस्टेंटेनियस बोला ना, 1 मिलीसेकेंड, 1 नैनोसेकेंड, इसका मतलब टाइम बहुत कम होता है, 1 सेकेंड भी नहीं होता, 1 मिलीसेकेंड या 1 माइक्रोसेकेंड या 1 नैनोसेकेंड। जिसका जैसे ही लाइट डालोगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करेंगे तुरंत। इसका रीजन मैंने क्या बताया, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, अंडरलाइन करना इलास्टिक पहली बार। आइंस्टाइन ने बताया था जो लाइट आती है, लाइट स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आती है, उस पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। फोटोन जब मेटल पे फॉल होता है तो मेटल के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन से हीट करता है, और जैसे हिट करता है इलेक्ट्रॉन तुरंत भागना शुरू कर देता है, टाइम लैग नहीं होता। उसका रीजन क्या बताया, कैसा कोलिजन है, ठीक है, ध्यान रखना इलास्टिक वाली बात इंपॉर्टेंट है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब मैंने बताया, कितना टाइम लैग है, 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकंड या लेस देन 1 मिलीसेकंड,
बहुत इंस्टेंटेनियस का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ 10^-6 सेकंड में निकल जाता है, मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा, लाइट डाला तुरंत निकल गया तुरंत। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइंस्टाइन इक्वेशन। नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को इसी के लिए मिला था, राइट। फोर लॉस थे ठीक है, लिख लो, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ किस पे बेस्ड है? लेंज लॉ एग्जाम में पूछते हैं, वाइवा में भी लेंज लॉ ज्यादा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चैप्टर 6। लेंज लॉ बेस्ड किस पर है? एग्जाम में ये नहीं पूछ रहा हूँ कि लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ भाई, उस पे बेस्ड है। किस पर? एनर्जी। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। मूविंग कॉइल का प्रिंसिपल क्या है? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इससे 100% कुछ ना कुछ आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। टॉर्क इक्वल टू एमवी साइन थीटा। टॉर्क पे बेस्ड होता है मूविंग कॉइल का। ठीक बात है। एसी जनरेटर किस पे बेस्ड है? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूरा लिख के आना एग्जाम में। रक्षित ने पढ़ाई शुरू कर दी लग रहा है। बहुत बढ़िया, दो आंसर तुमने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। चलो तो आइंस्टाइन इक्वेशन मैंने किस पे बोला? लास्ट क्लास में था। पास मैंने बोला आइंस्टाइन इक्वेशन किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ध्यान सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हम लोग जो लाइट डाले उसकी एनर्जी कौन है? ई। जो हमारा ये मेटल है इसका वर्क फंक्शन कितना है? वाई नॉट। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसके पास एनर्जी कितनी है? ए मैक्स। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ई था उसका कुछ पार्ट कहाँ चला गया? वाई नॉट पे। और बाकी पार्ट कहाँ चला गया? बस हो गया, ये बताया था आइंस्टाइन। याद रहेगी ये क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन में भी इसी से बनाएंगे। क्या इस ई को मैं एच न्यू कह सकता हूँ? बताओ भाई, ध्यान सुनते जाना। के ई को मैं ई वी नॉट कह सकता हूँ? वी नॉट बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। एच न्यू माइनस फाइव नॉट किसके इक्वल आ गया? ईवी नॉट। सही बात है, मैंने इसे और डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखो, मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे अभी क्या दिख रहा है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब मैं ग्राफ बनाऊंगा क्या? और लॉजिक ध्यान से देखते जाओ, कहां से क्या बात मैनिपुलेट करी जा रही है। वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने? फ्रीक्वेंसी। क्या फिर से मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया? इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा बताओ भाई? एच बाई, देख लो स्लोप का मतलब एम कह रहा हूं। और सी का मतलब वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या देगा? वाई नॉट बाई। इनसे न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में। और एक्स इंटरसेप्ट क्या देगा? न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो मैंने पीछे बनाया था सेम ग्राफ है या थोड़ा डिफरेंस आ गया है?
थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान से देखो। काइनेटिक एनर्जी वाले में स्लोप एच था, अभी एच बाई ई ए। वाई इंटरसेप्ट फाइव नॉट था, अभी फाइव नॉट बाई ई ए। एक्स इंटरसेप्ट सेम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हो गया तो आगे बढ़े। हो गया सबका? ठीक है, अब टू मार्क्स में लिखो, शो दैट ए फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड के इज मोर देन डबल। आइंस्टाइन इक्वेशन खत्म हो गई, एक क्वेश्चन आता है टू मार्क्स में। ये क्वेश्चन है, नहीं नहीं हमें प्रूव करना है, शो दैट का मतलब प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को E माइनस फाइव नॉट कह सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। और E क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट। अब ध्यान सुनो, क्या हमारे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी को डबल करने की बात कर रहा है? बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करो। तो मैं चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, डबल कर दो। ध्यान दिया सेकंड क्वेश्चन मैंने कैसे बनाई, फ्रीक्वेंसी को मैंने डबल कर दिया। अब तुम लोग देखो, ट्राई करो, तुम्हें क्या प्रूव करना है? K2 is, क्या प्रूव करना है मेरे? K2 is more than 2K। देखो कर पाओगे, करो, कर पाओगे इससे? हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है, तो हमें प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल होगी। मैंने दोनों इक्वेशंस बना दिए, अब इनको सॉल्व कर दो बस। क्या करूं, ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, डिवाइड करूं, जिसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है करूं। देखो लाना क्या है, मैं K2 इज ग्रेटर देन 2K में। करके देखो, ऐड करके आता है ना सर? देखो माइनस कर ऐड, देखो सबट्रैक्ट करके देखो आता है, करके देखो भाई सब लोग कितना है सबट्रैक्ट करके। ठीक है, तो इससे कैसे प्रूव हुआ K2 इज ग्रेटर देन 2K1? तो K2 इज ग्रेटर देन K1 प्रूव हुआ ना, तो हमें तो 2K1 से बड़ा प्रूव करना है। करके देखो, मैं कहता रहा हूँ, एडिशन करना चाहो एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन करना कर दो, डिवाइड करना कर दो। देखो ये सब क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेंगे तुम्हें, एग्जाम में मिलते हैं सीधा, एग्जाम में आता बुक में ना, आज घर पे जाकर जो भी तुम्हारे पास बुक से आया, डिवाइड करके आया, क्या आया बताओ? K1 में K2 कितना आ गया? अच्छा ठीक, देखते हैं। देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, सब देखना कि मैंने करा क्या पहले।
सबसे पहले तुमको ये डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ पर हमें फाइन आउट को एलिमिनेट करना है या न्यू को, किसी को भी कर सकते हो। मैं किसको करना चाहता हूँ बताओ भाई, किसको करने में फायदा है? मैं चाहता हूँ न्यू को एलिमिनेट करना, तो न्यू को एलिमिनेट करने के लिए पहले इक्वल करना पड़ेगा क्या? यानी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दूं? आप सब्ट्रैक्ट करके देखें तो क्या 2h न्यू कैंसिल आउट हो गया, 2k1 माइनस k2 किसके इक्वल आ गया, माइनस फाइव नॉट, तो k2 कितना आ गया, 2k1 प्लस फाइव नॉट, तो k2 है 2k1 प्लस समथिंग, इसका मतलब k2 क्या है, ग्रेटर देन 2k1 है, इसका मतलब वाइजली डिसाइड करना पड़ता है क्या करना। अगर ध्यान से नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे, करके देख लो, k2 इक्वल टू k1 प्लस समथिंग या k2 इक्वल टू k1 माइनस समथिंग, ये फॉर्म बन जाती है। और मुझे कौन सी फॉर्म चाहिए, 2k1, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे मुझे क्या फायदा दिखा, 2h new एंड 2h new कैंसिल आउट हो रहे हैं, दिख रहा है तुम लोगों को, बाकी सॉल्व कर दें। आई होप लॉजिकल लगा, आगे बढ़े। एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा ना, एग्जाम बोलेगा व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल, वैसा बोलेगा, एग्जाम में थोड़ी नहीं बताएगा कि काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल होगी, पूछेगा वो, पूछेगा सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ में मैंने बहुत क्लियरली क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी डबल तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल, वो मैंने करके दिखाया क्यों हुआ ऐसा। और बुक में ऐसा नहीं बोलता ना, बुक पढ़ोगे वहां थोड़ी नहीं बोलेगा ऐसा, एग्जाम में मिलता है ऐसा। चलो आगे बढ़े, एक और कॉन्सेप्ट लिखो। तुम लोग पावर समझते हो, पावर, पावर का मतलब हमें पता है एनर्जी बाय टाइम, राइट? ध्यान सुनना, ऐसे न्यूमेरिकल मिलता है एग्जाम में, पावर का मतलब होता है एनर्जी बाय टाइम, ठीक है? अब ध्यान से देखना, जब हम लाइट डालते हैं तो एक फोटोन आता है या बहुत सारे फोटोन्स आते हैं, तो मैंने एनर्जी को ई लिखा या एनी, एनी, एनी समझ में आ रहा है क्यों लिखा, इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो एग्जाम में पूछेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बताओ, ध्यान दिया सबने, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, इसका मतलब एन बाई टी पूछ रहा है क्या, तो क्या लिखूंगा, पावर बाई ई। अब इस एनर्जी को या तो मैं क्या लिखूंगा, एच सी बाई लैम्डा, या फिर क्या लिखूंगा, एच न्यू, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो एच न्यू डालना पड़ेगा, वेवलेंथ डालेगा तो एच सी बाई लैम्डा डालू, वो तो क्वेश्चन के डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया। तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाया या कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट बताया कि भाई इस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं बुक क्या कहती है, मॉड्यूल ओपन करो भाई तुम लोग अपना, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ टिक करते जाओ भाई, देखो क्या क्या बातें पता होना चाहिए। एक्सरे को किसने डिस्कवर करा था, रोएन जेन, अंडरलाइन कर लो। और इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जे थॉमसन, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर वन मार्क का क्वेश्चन बनाना तो यहाँ से बन जाएगा ना, एक्सरे को किसने करा था, रोएन जेन, और इलेक्ट्रॉन को थॉमसन,
कैथोड रेस के बारे में पढ़ू। कैथोड रेस का मतलब क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। किसी को चैप्टर 8 में याद है एक्सरेस कैसे प्रोड्यूस करते हैं? किसको हिट करते हैं बताओ भाई, एक्सरेस कैसे प्रोड्यूस करोगे? किसी को याद है? हाउ प्रोड्यूस एक्सरेस? एक्सरेस कैसे प्रोड्यूस करोगे, हिट करोगे? किस चीज को? हेड को या इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को। जब फास्ट इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं मेटल पे तब एक्सरेस प्रोड्यूस होती है, और ज्यादा देर इलेक्ट्रॉन फायर होगा तो मेटल क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। इसका मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जब हीट करता है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है इन फॉर्म ऑफ हीट। ये पूछ सकता है एक्सरेस कैथोड रेस के बारे में। कैथोड रेस मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? जे थॉमसन ने क्या मेंशन करा था? क्यू बाई एम। केमिस्ट्री में पढ़ा कुछ ऐसा? क्या कह रहे हो मतलब? अच्छा नाम सुना कर लिया। उसने करा क्या था नहीं पता? इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था ना जे थॉमसन ने बताया था। सुन लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो ऐसा पूछेगा। जे थॉमसन ने बताया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इनके सन ने बताया था जीपी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन वेव है। दोनों को नोबेल प्राइज मिला था, ध्यान दो मेरी बात को। मैंने दो बातें बोली, ध्यान सुनना। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पार्टिकल, बट जब मूव करता है तो क्या बन जाता है? वेव। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कभी पढ़ी हो? ये ऐसी चीजें तो हम पढ़ते ही नहीं है, याद आ रहा है? तो ऑर्बिट के जगह हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑर्बिटल्स। अब मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी क्या? पढ़ा होगा 11th में। नहीं, ऐसी चीजें पढ़ते ही नहीं है। सुन लो, नहीं पे बाद में कंफ्यूजन होगी तुम्हें। इलेक्ट्रॉन का जब पार्टिकल नेचर होता है तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है? ऑर्बिट में। बाद में मालूम हुआ कि मूविंग पार्टिकल क्या बन जाता है? वेव। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता ही नहीं है, ऑर्बिटल में होता है जहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी जोन होता है। उस ऑर्बिट में कहीं पर भी हो सकता है, ऑर्बिटल के अंदर, जहाँ से आया था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी वाला। काम की बात यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जे थॉमसन ने दो बातें बताई। पहला क्या बताया? इलेक्ट्रॉन के बारे में, और बताया कैसे? स्पेसिफिक चार्ज से, ई बाई एम से। ई बाई एम की वैल्यू कितनी है, अंडरलाइन कर लो, 1.76 इन 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। एक बार रीड कर लो, कई बार काम की बात मिल जाती है। फिर क्या टॉपिक टू हमने पढ़ लिया? वर्क फंक्शन। देखो डेफिनेशन समझ में आ रही है, पढ़ के देखो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। नोट वन पे वन मार्क लिखो, डेफिनेशन पूछ लेता है। डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट देन इट विल गेन एनर्जी वन ईवी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वन इलेक्ट्रॉन वन वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे तो उसके पास जितनी एनर्जी आ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? वन ईवी। नोट टू, वर्क फंक्शन मैक्सिमम किसका होता है? प्लेटिनम। और मिनिमम किसका होता है? सीजियम। अंडरलाइन करते जाना। नोट थ्री, क्या थर्मियोनिक एमिशन का मैंने कुछ आइडिया दिया? हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फील्ड एमिशन। और लाइट की वजह से निकलता है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नोट फाइव पे वन मार्क ये आ सकता है एग्जाम में, नोट फाइव।
ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ टिक करो तुम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है क्या, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस सम इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस एब्जॉर्ब एनफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस। आफ्टर गेनिंग सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम इंसिडेंट लाइट इलेक्ट्रॉन्स एस्केप फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, जो तुमने लाइट डाली उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टिक करो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या ऐसा कोई एप्लीकेशन हमने डिस्कस करा? देखो सोर्स से हमने क्या करी है, मैं बात नहीं करूं, सोर्स से हमने क्या करी है, लाइट डाली है जो ट्रांसपेरेंट विंडो से पास हुई और कहां पे फॉल हुई, कैथोड पे। कैथोड से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, और कहाँ पहुंच गए, एनोड पर। माइक्रोमीटर क्यों लगाया है, फोटो करंट को मेजर करने के लिए, और ये वी क्यों लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, एग्जाम में ड्रॉ करने को आता है। नोट वन, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, 4 times, अगर इंटेंसिटी 4 times हो गई तो करंट पे भी क्या फर्क पड़ेगा, 4 times। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। फिर क्या हमने देखा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगी, बता दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग कहीं लिखी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, 1 mark। देखो डेफिनेशन लिखी है क्या, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए फॉर विच फोटो करंट स्टॉप और जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस ग्राफ पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, एग्जाम में ड्रॉ करने को आता है। इस ग्राफ में 3 parts है, राइट, I1, I2, I3, सही, जो जितना ऊपर होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, देख रहे हैं, एग्जाम में पूछेगा बताओ भाई इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो जो सबसे ऊपर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। एक बात बोली मैंने, क्या सब एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रिक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी तीनों भाई भाई हैं। इसका अंदर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, सेम, और काइनेटिक एनर्जी भी सेम। इस ग्राफ पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, पूछता है काफी है। ठीक है, फिर क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी नॉट। ठीक है, एग्जांपल टू होमवर्क, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इजी क्वेश्चन है, 1 mark में आता है, तुम्हें बस ट्राई करके आना है। टॉपिक 7, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस बार ग्राफ में क्या खास बात है, इस बार ग्राफ ऊपर सेम है नीचे लगे क्या, अगर ऊपर सेम है तो इंटेंसिटी क्या होगी, सेम, I1 इक्वल टू लगा देना, प्लस नहीं है वो, I1 I2 I3। सबसे लेफ्ट में कौन है, देखो ध्यान से, सबसे लेफ्ट में कौन है, 3, जितना लेफ्ट में होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा, लिख लो ये बात, और काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, फिर क्या हमने ऐसा कोई ग्राफ देखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, टिक कर लो भाई। इस ग्राफ में 2 observations दिए, टिक करो, सब मैंने बता दिया है। इन ऑब्जर्वेशन से हमने 2 बात इम्प्लाइज करी, अंडरलाइन को, ये सब मैंने बता दिया, बस तुम्हें रीड करना है घर पे। उसके बाद क्या हमने 4 laws पढ़ लिए, हाफ चैप्टर हो गया, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखते जाओ, नहीं देखोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा, अगली 4-5 class में तुम्हें 4-5 chapters हो जाएंगे, इसे देखते जाओ ध्यान से। Example 3, 1 mark, Example 4, 2 marks।
एग्जाम्पल फाइव वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इसमें मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का फॉर्मूला बता दिया है? ठीक है, एग्जाम्पल फाइव होमवर्क मार्क करो, बस ट्राई करना घर पे। क्या आइंस्टाइन ने क्वेश्चन बता दी? टिक करो, ये सब पढ़ना है तुम्हें घर पे। वन ग्राफ बता दिया है, ठीक है यहां तक करो। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।